नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। कोच नगर के विकास को लेकर सरकार व जनप्रतिनिधि भले ही खूब वादे करें, लेकिन आज भी नगर में मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं। कोच नगर की सबसे बड़ी पीड़ा रोडवेज बस स्टैंड की कमी है, जिस नगर को अंग्रेजों ने व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर 13 किलोमीटर की रेलवे लाइन डालकर इबादत लिखने का प्रयास किया। उसी कोच नगर को आजादी के बाद सिर्फ उपेक्षा ही मिली। विकास की बात तो दूर, आज तक रोडवेज बस स्टैंड तक नहीं बन पाया है, जिस कारण रोडवेज की बसें नगर पालिका इसके स्टैंड पर खड़ी होती हैं। बस स्टैंड ना होने से लोगों को बसों की आने जाने की जानकारी नहीं हो पाती। इस समस्या का न तो विभाग की तरफ से कोई ध्यान दिया जा रहा है और न ही जन प्रतिनिधियों की तरफ से। कहने को तो सांसद, विधायक, MLC, जिला पंचायत अध्यक्ष सब इसी कोच नगर के निवासी हैं, लेकिन नगर के विकास एवं आवागमन के संसाधन बढ़ाने में उनके द्वारा रुचि न लिए जाने के चलते कोच नगर विकास की धारा से कोसों दूर रह गया, आज तक विकास की बाट जोह रहा है। ये थी आशीष सोनी की रिपोर्ट।